हो सकता है आज की कहानी पढ़कर आपकी आंखों में पानी आ जाए, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कहानी से आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा जो आपको और आपकी फैमिली को कोई भी ऐसा गलत काम जो इस कहानी के पात्रों ने अपने पिता के साथ किया है करने से रोकेगा। आपको यह पता चल ही गया होगा, यह कहानी है एक बूढ़े मजबूर पिता की। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए अपनी बची खुची जिंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके इसलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था लेकिन उसके अंदर जो चीजें थी वह महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी, उनका एक 5 साल का बच्चा, यह छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उसके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीजें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते मगर उन पर जैसे कोई असर नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह नजारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब आप बूढ़े हो जाओ तो मैं खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपनी आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज फट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें। दोस्तों, आपको हार्ट टचिंग स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और खास करके ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनका व्यवहार बड़े बूढ़ों की तरफ अच्छा ना हो।